तो सबसे पहले तो आज आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। आप सब लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ा क्योंकि कैसा है, देखिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पे हमारा 100 लोगों का क्राइटेरिया होता है। 100 लोगों को ही हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, इसलिए वो ग्रुप बनाना, आप लोगों को फॉर्म भेजना, आप लोगों के फॉर्म फिलअप करके लेना, उसमें से फिर फॉर्म में से जो जरूरतमंद लोग हैं उनको छांटना, जिनको सच में सीखना है तो ऐसे लोगों को छांटना, अलग से उनकी लिस्ट बनाना, फिर वो ग्रुप बनाना, वो ग्रुप बना के आप लोगों को यहाँ पे उसमें ऐड करना। तो इसमें थोड़ा समय लगता है। ये जो फ्री वाली क्लासेस है ये अब हम शुरू कर रहे हैं, आज 2 अक्टूबर से हम शुरुआत कर रहे हैं इसकी, ये हर महीने होगी। ठीक है, तो जो भी आपके नए साथी होंगे या फैमिली मेंबर्स हैं या जो भी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में से हैं, जो भी सीखना चाहते हैं वो यहाँ पे आके सीख सकते हैं हमारे साथ में। ये फ्री क्लासेस शुरू करने के पीछे एक मोटिव है, एक उद्देश्य है। तो मोटिव क्या है, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हमारे आदरणीय खेमका सर की यहाँ पे फोटो लगी हुई है। सर ने बहुत बड़ा समय, 24 साल का समय, दिन रात 24 घंटे, सातों दिन, बहुत बड़ा पीरियड होता है 24 साल। 24 साल उन्होंने दिए एक्यूप्रेशर के लिए, और एक्यूप्रेशर के लिए देते हुए एक सामान्य व्यक्ति के लिए, एक सामान्य व्यक्ति जो आज थक चुका है दवाइयां खा खा के, एक सामान्य व्यक्ति जो आज थक चुका है डॉक्टर्स और दवाखानों के चक्कर काट काट के। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए या ऐसे हर एक सबके लिए, देखिए कोई भी नहीं चाहता कि डॉक्टर वकील या ऐसे कुछ लोग हैं या चीजें हैं कि जिनके पास हम जाना नहीं चाहते हैं, नहीं हम वहां पे ये करना चाहते। तो ऐसे इसमें जब आप चारों तरफ देखते हैं कि चारों तरफ समस्याएं इतनी बढ़ गई हैं, बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं कि जिसमें आप दवा क्या करानी है, कहाँ करानी है, कैसे करानी है, चीजें हम नहीं समझ पाते हैं। पर एक्यूप्रेशर एक ऐसी विधा है जो पिछले 5,000 सालों से हमें, हमारे पूर्वजों से, हमारे संस्कृति में हमको आशीर्वाद के साथ मिली हुई है। सिर्फ बात यह अलग है कि उसको अब हम नए नामों से पहचानते हैं, हम उसे एक्यूप्रेशर के नाम से पहचानते हैं। इसको शुद्ध हिंदी में या संस्कृत भाषा में देखा जाए, या आयुर्वेद जो हम पढ़ते हैं उसमें आप इसको देखेंगे तो इसको कहा जाता है मर्मदाभ चिकित्सा। मर्मदाभ चिकित्सा कहा जाता है। जो BAMS के स्टूडेंट्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, जो BAMS के डॉक्टर्स बनते हैं, उनको फर्स्ट ईयर के उनका जो सिलेबस होता है उसमें एक अलग से पढ़ाई होती है, 50 पेजों का एक पोर्शन होता है मर्मदाप चिकित्सा, और उसपे ज्यादा ध्यान नहीं केंद्रित होता लोगों का, इसलिए कि उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस वहां पे नहीं दिए जाते हैं क्योंकि इसके बारे में ना ज्यादा नॉलेज है लोगों को, ना लोग ज्यादा बात करते हैं। हाँ, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से, पिछले 1-10 सालों से ये काफी चर्चा में आया है, और अब जब से ये क्वारंटाइन स्टार्ट हुआ है उस तब से तो ये बहुत ज्यादा चर्चा में आ रहा है। लेकिन ये जब अब इतना फैल रहा है, फिर भी इस चीज को यहाँ तक फैलाने के इसमें एक बहुत बड़ा हाथ था श्री माता प्रसाद खेमका जी, MP खेमका सर हम जिन्हें कहते हैं। तो आज वो हमारे बीच में नहीं है, ये हमारी दुर्भाग्य है हमारा, लेकिन फिर भी जाने से पहले उन्होंने अपना काम पूरा किया, उन्होंने इतना कुछ छोड़ के गए हैं आपके लिए, हमारे लिए, कि हम इस जीवन में भी वो पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। इतना सब कुछ उन्होंने पढ़ के लिख के आपके लिए छोड़ दिया है कि आपके शरीर में कि एक छोटे से छोटे सेल से लेके आपके शरीर में आने वाली एक बड़ी से बड़ी बीमारी तक आप उनको बिना किसी दवा के, बिना किसी उपचार या किसी इसके, सिर्फ इस उपचार पद्धति से, सिर्फ एक दाब दे के, किसी पॉइंट पे दाब दे के, रंग लगा के, कोई एक सीड लगा लिया आपने, तो सिर्फ छोटे छोटे इन चीजों को वहां पे प्रेस करके आप इसको किस तरह से उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं, किस तरह से आप उसे ठीक कर सकते हैं, किस तरह से आप उसे नॉर्मल कर सकते हैं, किस तरह से आप बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी आसानी से हटा सकते हैं। तो ये उनका सपना था कि हर एक घर में, भारतवर्ष के, हमारे इस भारत देश के, भारतवर्ष के हर एक घर में कम से कम एक व्यक्ति तो हो कि जो उसे एक्यूप्रेशर का ज्ञान हो। 24 सालों तक तो उन्होंने रोज 300 पेशेंट्स की ट्रीटमेंट की बिना उनसे एक भी पैसा लिए हुए। इन पेशेंट्स में एक कॉमन मैन से लेके
सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के बड़े बड़े चीफ जस्टिस से लेके बड़े बड़े मंत्री संतरी सब थे। कोई ऐसा तबका नहीं बचा समाज का जिसने उनसे जाके ट्रीटमेंट नहीं की हो। इतने सालों में करोड़ों से ज्यादा पेशेंट्स हो चुके हैं, आज 8 लाख से ज्यादा उनकी फैमिली है। फैमिली मतलब हम, आप जो इस एक्यूप्रेशर को जो भी सीख रहा है उनके आशीर्वाद से सीख रहा है, उनके माध्यम से सीख रहा है, सब उनकी फैमिली में ही आते हैं। तो उन्होंने हमें एक मोटो दिया था कि ईच वन रीच वन ईच वन टीच वन ईच वन ट्रीट वन। तो हर किसी व्यक्ति को हर एक व्यक्ति तक पहुंचना है, वो व्यक्ति उस व्यक्ति को ठीक भी करे और वो व्यक्ति उस व्यक्ति को सिखाए भी कि उसे कैसे ठीक होना है, कैसे अपनी बीमारियों को हटाना है। तो इस उपलक्ष्य में ये कार्य आगे चलता रहा। आज हम उसी कार्य को आज बड़े पैमाने पे करने जा रहे हैं, इसको और आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो इसे हम शुरू करते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ से इसको शुरुआत करता हूँ अभी, आप सब लोगों की सहायता के साथ। जिनको भी आवाज नहीं आ रही है वो तो वैसे भी नहीं सुन पाएंगे, लेकिन जो भी आसपास है उनको ग्रुप में डाल सकते हैं कि आप लोग एक बार ग्रुप में, मैंने शेयर कर दिया है आपको क्या करना है, वहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग भी भेज दी है, उसको देख के आप कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो काफी नए हैं जिनको इसके बारे में ज्ञान नहीं है कि एप्लीकेशन कैसे यूज करने हैं, तो इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, या आप एक दो बार उसको करेंगे तो आप समझ में आ जाएगा आपको कहाँ से इसे करना है। तो खेमका सर के आशीर्वाद को लेते हुए, और आज 2 अक्टूबर का दिन है, गांधी जयंती का भी है आज, और आज लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, तो आज के दिन हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं इस उपचार पद्धति के इस अनोखे कार्यशाला की। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, इस वर्कशॉप की यहाँ पे शुरुआत करते हैं, ठीक है? तो पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, वेलकम टू एक्यूप्रेशर उपचार एकेडमी। हमारी ये एकेडमी इलाहाबाद के, सॉरी प्रयागराज, इलाहाबाद पुराना नाम था, नया नाम प्रयागराज है। तो एसवस जिसे कहते हैं, एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान इलाहाबाद, उस संस्था की एफिलेटेड सेंटर है हमारा। ये सेंटर हमारा पुणे में है, पुणे मुंबई में हम लोग ऑफलाइन, मतलब अभी तो ऑनलाइन है सब लोग, ऑफलाइन हम यहाँ पे एक्टिवेट रहते हैं। हम ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड से आने वाले सभी स्टूडेंट्स को हम यहाँ पे पढ़ाते हैं। मेरा नाम सोमेश तिवारी है, नाम के आगे AT लिखा हुआ है, AT मतलब एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट। यहाँ पे जैसे डॉक्टर्स लिखते हैं, एडवोकेट लिखते हैं, वैसे AT है यहाँ पे, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट। नीचे मेरी शॉर्ट में थोड़ी सी मेरे बारे में जानकारी दी हुई है जो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रही है। तो आज का लेक्चरर मैं हूँ आपका, इसलिए मेरे बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होना जरूरी है। कल को अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स लेनी है, बतानी है, तो आप कहाँ पे इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है? सो नीचे मेरा ADASH एंड MD इन AQ हुआ है, एक्यूप्रेशर में, AQ मतलब एक्यूप्रेशर दिया हुआ है यहाँ पे। मेरा मास्टर डिग्री हुई है, उसके नीचे सर्टिफिकेट बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का MCD करके एक प्रकल्प होता है जहाँ पे हम एक्यूप्रेशर सिखाते हैं, तो वहाँ से सर्टिफाइड भी हूँ मैं, मेरे पास गवर्नमेंट महाराष्ट्र का सर्टिफिकेट भी है। काफ़ी कम लोग हैं जिनके पास ये सर्टिफिकेट होता है, तो अनफॉर्चुनेटली उसमें से एक मैं भी हूँ। प्रैक्टिस सभी नहीं कर पाते हैं, लेकिन आज हम यहाँ पे इतना सीखेंगे इन 4 घंटों में। मैं आज आपको यहाँ पे इतना सिखाने की कोशिश करूँगा कि अब आपकी सारी बीमारियों को आप आपके घर पर ट्रीट कर सकते हैं। कौन कौन सी बीमारियाँ? आपके लीवर से रिलेटेड, आपके स्टमक से रिलेटेड, आपकी स्प्लीन पैंक्रियास से रिलेटेड, आपके लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड, आपके गॉल ब्लैडर से रिलेटेड, आपकी किडनी से रिलेटेड, आपकी आंखें, नाक, चेहरा, मुंह, बाल, इन सब से रिलेटेड जो भी आपकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को आप यहाँ पे इजीली सॉल्व कर सके, इतना तो आप जरूर यहाँ से सीख के जाएंगे, ठीक है? ठीक है, मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा,
अपने से लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है, जिनका भी कैमरा चालू हो प्लीज बंद रखिए, ये आपके लिए भी फायदे का है। क्योंकि यहाँ पे होता ये है, रिकॉर्डिंग्स शुरू है, यही रिकॉर्डिंग्स आप तक जाएंगी और इसी रिकॉर्डिंग्स में देखिए ऐसी चीजों से डिस्टरबेंस होता है क्लास में, तो कोशिश कीजिए कि आप ये ना करें। अगर आप तक आवाज पहुंचती है तो डेफिनेटली आप जानते हैं कि आपका कैमरा चालू है नहीं है, हो सके तो आप खुद से बंद करें तो ज्यादा बेहतर है। मुझे हर बार जाके इसे बंद करना पड़ेगा तो इसमें आपका भी समय व्यर्थ होगा, मेरा भी समय व्यर्थ होगा। ठीक है, मैं सीनियर लेक्चरर हूँ, मैं सीनियर थेरेपिस्ट हूँ, चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ मैं एक्यूप्रेशर उपचार एकेडमी का, यहाँ पे पुणे में, हमारे पुणे और बॉम्बे में हमारे दो सेंटर्स चलते हैं। एक क्लिनिक है हमारा रूट एंड लिप्स एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट सेंटर करके, और ये सारे चलते हैं अंडर में राम शकुंतल एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग एंड ट्रीटमेंट सेंटर्स में। ठीक है, इसके अलावा संस्थान के बारे में जानकारी आपको बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम आदरणीय खेमकर सर के बारे में मैंने आपको बताया। फिर से यहाँ पे ये मोटो जो है, जिस मोटो को लेके हम आज काम कर रहे हैं, जिस मोटो को लेके हम यहाँ पे चल रहे हैं, ये मोटो जो है हमें हमारे अग्रवाल सर ने दिया था। ठीक है, ये विधा कैसी है? ये काफी सामान्य सी विधा है, बहुत ही सिंपल सी विधा है। ठीक है, इसमें कोई नीडल्स लगाने की जरूरत नहीं है आपको, ना आप कोई सुई लगाते हैं, कोई नीडल्स नहीं लगाते हैं, ना इसके कोई साइड इफेक्ट होते हैं। एक्यूप्रेशर का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, एक्यूप्रेशर का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, इजी टू लर्न है एंड इजी टू ट्रेट ऑन पाम्स, हाथ दिखाई दिए हैं वहां पर आपको, दोनों पाम्स दिख रहे हैं, तो बहुत आसान है इसको सीखना, बहुत आसान है इसको समझना, इसका एप्लीकेशन करना। ठीक है, ये फोटो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी की, हमारे पीएम है श्री नरेंद्र मोदी जी, कौन नहीं जानता इन्हें, पूरी दुनिया जानती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था कि जब चाइना के प्राइम मिनिस्टर आए थे उनसे मिलने के लिए, तो समुद्र किनारे वो भी एक्यूप्रेशर का रोलर लेके घूम रहे थे। हर योग दिवस पे और हर एक उस पे वो भी प्रमोट करते हैं कि हमें एक्यूप्रेशर की तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो एक अच्छी बात है, कोई बता रहा है तो हमें उसे सुनना चाहिए। गेट राइड ऑफ मेडिसिन, दवाइयों से कैसे छुटकारा मिले, ये तो सभी लोग जानना चाहते हैं, बराबर है? आप ऐसे जितने भी लोग हैं यहाँ पे, मोस्टली सब लोग नए हैं। इन क्लासेस के लिए या इन फ्री सेमिनार्स के लिए हम नए लोगों को क्यों चूज करते हैं? क्योंकि जो पुराने हैं वो सीख चुके हैं, उनको हम क्या सिखाएंगे? लेकिन उनको हम यही सिखाएंगे कि आप भी इन चीजों को आप लोगों तक फैलाइए। अगर आपको लगता है आप करने में असमर्थ हैं, आप हमारी सहायता ले सकते हैं, हम यहाँ पे हमेशा आपकी सहायता के लिए बैठे हुए हैं। हम ऐसे ही फ्री सेशंस अलग अलग लोगों के लिए चलाते हैं, जैसे आपको लगता है आप किसी स्कूल में या किसी कॉलेजेस में हैं, या आपकी कॉलोनी है, या आपका कोई ऑफिस है, वर्कशॉप है, जैसे काफी आईटी के लोग हमारे पास आते हैं, काफी बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे पास आती है, तो उनके वर्कर्स के लिए, उनके स्टाफ के लिए, उनकी सोसाइटीज के लिए भी हम ऐसे फ्री ऑनलाइन वर्कशॉप्स करते हैं। हम ऑफलाइन भी वर्कशॉप करते हैं, लेकिन वो पुणे या पुणे के आसपास हो तो ज्यादा बेहतर होता है। अदरवाइज आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी है वहां पे भी आप कर सकते हैं। पूरे भारत में हमारे थेरेपिस्ट सब जगह पे है, सब जगह से हम उसको अवेलेबल करा देते हैं आपको। तो क्यों आपको मेडिसिन से छुटकारा मिलाना है? तो इंडिया को मेडिसिन फ्री करना है हमें। ठीक है, इसके लिए क्या करना है? लर्न इजी एंड सेल्फ वे टू हीलिंग, इसलिए हमने कहा कि खुद के डॉक्टर खुद बनिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा संस्थान के बारे में या हमारे जो एकेडमी के जो ट्रीटमेंट सेशंस चलते हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे आपको। सर्टिफिकेट कोर्सेस होते हैं 6 महीने के, 12 महीने का डिप्लोमा कोर्स होता है, 24 महीने का एडवांस डिप्लोमा कोर्स होता है, 36 महीने का मास्टर्स डिप्लोमा कोर्स होता है। ठीक है, इसके अलावा कैंपस कोर्सेस भी होते हैं हमारे। ये सारे कोर्सेस जो है आपके ऑनलाइन होते हैं। इस संस्था की स्थापना कब हुई थी? संस्था की स्थापना 1995 में हुई थी, 1995 में एस्टेब्लिश हुआ था, 1998 4th of April 1998 पे ये रजिस्टर हुई थी। ठीक है,
पेशेंट्स हमने ट्रीट किए हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा हम पेशेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीट कर चुके हैं। वहाँ पे पेशेंट्स के से आपके कोई भी पैसे नहीं लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये पेशेंट्स जो है 1 करोड़ से ज़्यादा आपके पेशेंट्स हम ट्रीट कर चुके हैं। और ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं हमारे ऑल ओवर इंडिया में 380 से ज़्यादा ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं जो ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग जगहों पर चलते हैं, ठीक है। मोर देन 6 लाख, 6 लाख से ज्यादा लोग अब तक सीखे जा चुके हैं। अगर आप आज आप लोग सीख रहे हैं और आगे हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप भी इनमें शामिल हो सकते हैं, इस परिवार में शामिल हो सकते हैं। तो 6 लाख से ज्यादा लोग जो है वो यहाँ से सीख के हमसे जा चुके हैं। यहाँ पे उन्होंने इस विधा को, इस अद्भुत विधा को, इस मैजिकल पावर को यहाँ पे सीखने का अनुभव किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में किताबें सिर्फ एक्यूप्रेशर से संबंधित, सिर्फ एक्यूप्रेशर से संबंधित करीब करीब 150 किताबें अब तक पब्लिश हो चुकी हैं। इसका काम कंटिन्यूसली चालू रहता है। 2 मैगजीन्स निकलती हैं हमारी साल भर में, एक ईयरली निकलती है, क्वार्टरली निकलती है। एक का नाम है एक्यूप्रेशर सरस्वती और दूसरी है त्रिपतका, त्रिपतका करके। ये 2 मैगजीन्स जो है ये रेगुलरली निकलती है, एक क्वार्टरली होती है, एक ईयरली होती है, ठीक है। उसके बाद में जितने भी पेशेंट्स होते हैं सबके केस रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, मैनुअल रखे जाते हैं। ये हमारे पास सारे एक्यूप्रेशर से संबंधित जितना भी बुक्स हैं उनकी एक काफी बड़ी लाइब्रेरी है जो 2002 में एस्टेब्लिश हुई थी। और उसके बाद में छतनाक करके प्रयागराज के पास में जगह है, वहां पे आपका छतनाक में एक आश्रम है सरस्वती आश्रम करके, जहाँ पे पेशेंट की ट्रीटमेंट भी होती है और जहाँ पे आपका एक्यूप्रेशर का कॉलेज है, एसवस कॉलेज वहीं पे है आपका, जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग और ट्रीटमेंट सेशंस होते हैं। नाउ अब जब हम एक्यूप्रेशर सीख रहे हैं तो अब हम उसके बारे में जानना भी चाहेंगे कि एक्यूप्रेशर क्या है और कैसे काम करता है, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एक्यूप्रेशर, एक्यूप्रेशर है क्या, एक्यूप्रेशर क्या चीज है, ये कैसे कार्य करती है, ये कैसे काम करती है। एक्यूप्रेशर क्या है, फॉर एनर्जी है। एक्यूप्रेशर क्या है, बाय एनर्जी है। और एक्यूप्रेशर क्या है, फॉर ऑफ एनर्जी है। तो ट्रीटमेंट, एक्यूप्रेशर में क्या करते हैं, एक्यूप्रेशर में आप ट्रीटमेंट करते हैं, एक्यूप्रेशर में हम ट्रीटमेंट करते हैं। किस चीज की यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं आप, हम यहाँ पे किस चीज की ट्रीटमेंट करते हैं, जो भी शरीर में बीमारी आई है उस बीमारी की हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो उस बीमारी की ट्रीटमेंट यहाँ कैसे की जाती है, उस बीमारी की ट्रीटमेंट यहाँ पे एनर्जी से की जाती है, उस बीमारी की ट्रीटमेंट यहाँ पे ऊर्जा से की जाती है। सीधे साधे शब्दों में कहा जाए तो यहाँ पे उस बीमारी की ट्रीटमेंट हम ऊर्जा से करते हैं। अब एक ऐसी ऊर्जा है, ये कौन सी ऊर्जा है, ये वो ऊर्जा है जो हमारे शरीर में विद्यमान होती है। ये ऊर्जा वो है जो हम रोज अपने शरीर में लेते हैं, ये वो ऊर्जा है जो रोज हम इस्तेमाल करते हैं हर एक छोटे से छोटे काम को करने के लिए, हर एक छोटे से बड़े काम को करने के लिए हम इस ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। इस ऊर्जा पे हम रोज काम करते हैं। ये ऊर्जा अगर नहीं होगी आपके शरीर में, आपका शरीर नहीं चल पाएगा, आपका अस्तित्व नहीं होगा। अगर आपके शरीर में ऊर्जा नहीं होगी तो आपका अस्तित्व नहीं होगा, आप अस्तित्वहीन होंगे अगर आपके शरीर में ऊर्जा नहीं होगी तो। इसके बारे में डिटेल में मैं आगे बताऊंगा, एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ कि एक्यूप्रेशर क्या है। क्या है एक्यूप्रेशर, आपका कभी सर दर्द करता है, सर दर्द करता है तो आप क्या करते हैं, एक सामान्य सवाल है कि जब भी आपका सर दर्द करता है आप क्या करते हैं। थैंक यू। अपना सर हाथ से दबाते हैं या फिर हम किसी से सर दबवाते हैं, एक नॉर्मल सी चीज है। आप इसको सीखने के लिए किसी बड़े विद्यालय में या किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाके आप इसको नहीं सीख के आए, बराबर है। एक सामान्य सी चीज है कि अगर आपको सर दर्द हो रहा है, आपको अगर सर दर्द हो रहा है तो आप उसमें क्या करते हैं, आप अपने सिर पे मालिश करते हैं, सिर को दबाते हैं, बराबर है। तो इसी तरीके से अब ये क्या हुआ, क्या किया वहां पे, अपने सिर को दबाया। या जैसे आपके कभी घुटनों में दर्द हो जाता है, पैरों में दर्द होता है या पीठ में दर्द होता है, तो इन दर्द को हटाने के लिए, इस दर्द को हटाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आजकल आसान है, सबसे पहले हम गोली टपाक से मुंह में डालते हैं, गटाक से पानी मारते हैं कि हाँ चलो हो गया, हमने पेन किलर खा ली। दर्द रुकेगा कब, आधा घंटा लगेगा,
पौना घंटा लगेगा, शायद एक घंटे बाद असर करना शुरू करेगी। यहाँ पे आज हम वो विधा सीखने जाएंगे कि आपने यहाँ पॉइंट दबाया और वहां पे आपका दर्द गायब हो गया, ठीक है। तो ये शास्त्र है, ये साइंस है, ये शास्त्र है, ठीक है। यहाँ कोई हम जादू नहीं सिखा रहे कि आपने छड़ी ली, गोल 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 घुमाई और सब गायब हो गया, नहीं। ये शास्त्र है, ये 5000 साल पुराना शास्त्र है, लेकिन इसको 21st सेंचुरी की मेडिसिन टेक्निक क्यों कहते हैं वो हम इसके आगे देखेंगे। ये सेशन अभी खत्म हो जाएगा कुछ सेकंड्स में। जैसे मैंने आप सब लोगों को बताया क्या करना है, आपको